बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम अलैकुम। नॉवल कालिज कलियां और भंवरे की अगली किस्त शुरू करते हैं। कायरीन, जैसा कि आप जानते हैं, ये नॉवल लाहौर के उस दौर का है जब पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन सर्विस मौजूद नहीं थी। कायरीन की सहूलत के लिए अब इस तहरीर को यूट्यूब की शक्ल में भी पेश किया जाता है। वो लड़की रस्मन मना कर रही थी जबकि मर्द आगे बढ़ता जा रहा था। वो लड़की से ज्यादा बेतकल्लुफ होने लगा। लड़की कुछ चाहते और कुछ ना चाहते हुए चुप थी, मगर वो किसी हद तक उसको रोक रही थी। अब चेहरा सीधा रखने की वजह से किसी हद तक लड़की का चेहरा नजर आ रहा था। हंजला को उसका चेहरा देखकर ऐसे लगा जैसे उसने पहले कहीं देखा हुआ है, मगर चौके वाजिया तौर पर नहीं देख सकता था, इसलिए उसको याद नहीं आ रहा था। वो चौके ऊपर से नीचे देख रहा था, इसलिए जाविया सही नहीं बन रहा था। बहरहाल वो जहन पर जोर दे रहा था कि इसको पहचाने। नीचे से निगत ने हल्की सी चुटकी भरकर उसको नीचे बैठने के लिए कहा, मगर हंजला का तजस्सुस अब बढ़ गया था। उसने हाथ से निगत को थोड़ा सब्र करने का इशारा किया, मगर निगत ने उसकी पतलून के पांचे को नीचे खींचकर बैठने के लिए इसरार किया। हंजला ने चेहरा नीचे करके एक मिनट तक रुकने के लिए उंगली खड़ी करके इशारा किया और फिर वो दूसरे कैबिन में देखने लगा। उसने देखा कि आदमी लड़की को छेड़ने में काफी हद तक बढ़ चुका है। वो इसके चेहरे को थाम कर बोसो कनार करने लगा। लड़की ने बेसुध होकर चेहरा ऊपर कर लिया। उसकी आंखें किसी हद तक बंद थीं, मगर उसका चेहरा ऊपर आते ही उसकी नीम बंद आंखों से नजर हंजला पर पड़ गई। उसने मर्द को झिंझोड़ कर ऊपर की तरफ इशारा किया। हंजला उस वक्त तक नीचे हो गया और फौरन अपनी नशिस्त पर संभल कर बैठ गया। उसने निगत को बताया कि दूसरे कैबिन ने उसको झांकते हुए देख लिया है। उसने मजीद बताया कि साथ वाले केबिन में किसी मर्द के साथ उनकी क्लास फेलो नायला बैठी हुई है और ये आवाजें भी उसी की थी। अभी चंद लम्हे गुजरे होंगे कि साथ वाले कैबिन का मर्द गुस्से में कैबिन से बाहर निकलकर उनके कैबिन का पर्दा एक तरफ कल के बोला, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अभी उसने पूरी बात की ही थी कि हंजला को देखते ही दोनों एक लम्हे के लिए सकते में आ गए। उनके सामने उनके कॉलेज का प्रोफेसर इल्ताफ खड़ा था। वो चंद लम्हों तक एक दूसरे से बात ना कर सके। फिर इल्ताफ ने फौरन रुख मोड़ा और दूसरी तरफ पलटा। उसकी समझ में ना आया कि वो क्या करे। प्रोफेसर इल्ताफ जल्दी से अपने कैबिन में आया, उसने वेटर का बिल अदा किया और होटल से निकल गया। इल्ताफ उनकी क्लास का टीचर था और हर दिल अजीज प्रोफेसरों में से था। उसकी उम्र 40 के लगभग थी। वो दरमियानी शख्सियत का मालिक था, मगर अपने मजमून पर अच्छा अबूर रखता था। निगत और हंजला हैरान थे कि उनके टीचर्स और क्लास फेलोज इस तरह के कैबिन में मौजूद थे, हालांकि इल्ताफ शादीशुदा और कई बच्चों का बाप था। वो अपने स्टूडेंट्स के साथ बेबाकियों में मसरूफ था। निगत और हंजला एक दूसरे की तरफ मैनी खेज नजरों से देखकर मुस्कुराने लगे। हंजला ने सकूत तोड़ा और बोला, ये इल्ताफ साहिब हैं जो शादीशुदा हैं और कई बच्चों के बाप हैं। मैं हैरान हूँ कि उन्होंने नायला को किस तरह घेरा। अगर नायला की मुझ पर नजर ना पड़ती तो इस कैबिन में ही हद से गुजर जाते। निगत हंजला के शाने पर सर रखते हुए बोली, तुमने खामखा बेचारों को तंग किया। डर और शर्मिंदगी के मारे वो होटल से ही दौड़ गए। पता नहीं कल क्लास में आते भी हैं या नहीं। वो कुछ देर मजीद कैबिन में बैठे रहे, फिर बिल अदा करके चले गया। इस दफा हंजला ने उठने में जल्दी की। उसको डर था कि निगत का मूड ज्यादा रोमांटिक हो रहा है और हंजला हद में रहना चाहता था। हंजला हॉस्टल चला गया जबकि निगत घर की तरफ चल पड़ी। कमरे में दाखिल होते ही वो इजाज़ से मुखातिब हुआ जो पहले ही कमरे में मौजूद था। हंजला ने सनसनी फैलाने वाले अंदाज में कहा, यार तुझे एक बात बताऊं, बड़ा ही अजीब मामला है, सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। इजाज़ उसकी तरफ पूरी तरह मुतवज्जा होकर चारपाई पर बैठ गया। हंजला ने बताना शुरू किया और इल्ताफ साहिब वाला तमाम वाक्या सुना दिया। तमाम बात सुनकर इजाज़ ने एक जोरदार कहका लगाया और हंस हंस कर ढेर हो रहा था। वो हंसते हंसते बोला, क्या तुम सच कह रहे हो? अगर सच बोल रहे हो तो बड़ा मजा आएगा, मैं इन लोगों को छेड़ा करूंगा। वो इन्हीं खुशगप्पियों में काफी देर मसरूफ रहे। शाम को हंजला ट्रेनिंग से वापिस आया तो इजाज़ उसके इंतजार में था। इजाज़ ने उसको बताया कि उन्होंने एक 5-स्टार होटल में एक पार्टी में शरीक होना है। हंजला जल्दी से तैयार हो गया। जरा रात ढलते ही वो होटल से निकले। रास्ते में इजाज़ एक दोस्त से चंद मिनट के लिए मुलाकात की। वो होटल पहुंचे तो पार्टी अभी लेट थी। वो इधर उधर टहलने लगे। इतनी देर में नबीला भी वहां पर आ गई और इसके साथ एक लड़की थी जो लंबे कद की थी और काफी खूबसूरत थी। वो इनके साथ एक टेबल पर बैठ गया।
थोड़ी देर के लिए वो लड़कियां एक तरफ गईं तो इजाज ने हंजला को बताया, ये एक डांसिंग पार्टी है और हर एक को जोड़े की सूरत में आना है। ये ऊंची सोसाइटी की पार्टी है, इसीलिए पीना पलाना चलेगा, जबकि दावे नामे पर लिखा था कि जोड़े के बगैर आना मना है। मैंने इसीलिए नबीला को बुलाया है। हंजला हैरान था कि इतने धड़ल्ले से खुले आम शराब चलेगी, और ये भी कि हर कोई अपने साथ गर्लफ्रेंड लेकर आएगा। वो खुश था कि एक नए स्टाइल की पार्टी देखेगा। इसने इजाज से कहा, यार अगर इस पार्टी में जोड़े को ही आना था तो तुम्हारे साथ तो नबीला है, और मुझे क्या पार्टी अटेंड करने की इजाजत होगी? इजाज ने फौरन कहा, हरगिज नहीं, ऐसी पार्टियों में कोई भी अकेला नहीं आता, और ना ही तुम इस पार्टी में अकेले शरीक होगे, बल्कि शायद तुम्हें मालूम ना हो कि तुम भी इस पार्टी में जोड़े की सूरत में आए हो। मैंने इसका इंतजाम कर लिया है। नबीला से कहा था कि कोई लड़की साथ लेती आए, और इसके साथ जो लंबे कद वाली सोफिया आई हुई है वो तुम्हें जोड़ा बनाने के लिए ही है। हंजला इजाज की ये बातें सुनकर हैरान हो गया और मुस्कुराने लगा। पार्टी शुरू हुई तो लोग अपनी अपनी टेबल पर बैठ गए। हर कोई अपनी गर्लफ्रेंड या मंगेतर के साथ था। फिर पीने पिलाने और डांसिंग का दौर शुरू हुआ। हल्की हल्की म्यूजिक पर अपनी लड़की के साथ गर्दन और कमर के गिर्द बाजू डालकर हर कोई डांस के लिए उठना लगा। डांस किया था, बस एक दूसरे के करीब होकर छूह कर एक दूसरे से बातें हो रही थी। हंजला ने बिल्कुल शराब ना पी, सिर्फ एक कोल्ड ड्रिंक पर ही इक्तफा किया, डांस में भी हिस्सा नहीं लिया, अपनी नशिस्त पर बैठा रहा। तमाम लोग डांस नहीं कर रहे थे, बल्कि कुछ लोग सोफे पर भी बैठे थे। सोफिया ने गपशप के दौरान बताया कि वो नबीला की कजन है और पाकिस्तान में अपने रिश्तेदारों को मिलने आई है, उसके माँ बाप लंदन में थे। थोड़ी देर बाद नबीला और इजाज इनके करीब आए। इजाज ने हंजला को बाजू से खींचा, मगर हंजला ने माजरत की। पार्टी इसी तरह चलती रही। मर्दों में सिवाय हंजला के तमाम ने शराब पी, जबकि लड़कियों में से निसफ ने ज्यादा इनका साथ दिया। नबीला ने ज्यादा पी ली थी। जब वो लोग वहां से निकले तो नबीला की हालत ऐसी ना थी कि गाड़ी चला सके, जबकि सोफिया को घर का रास्ता मालूम नहीं था। इजाज ने तजवीज दी कि वो इनको घर छोड़ देंगे, जबकि नबीला की गाड़ी सुबह इसका ड्राइवर ले जाएगा। वो नबीला और सोफिया को अपनी गाड़ी में लेकर चल पड़े। बहुत पीने की वजह से नबीला कभी ऑल फॉल भी कह देती थी। बातों में उसने कह दिया कि वो हंजला को पसंद करती है। उस दिन बड़ी मुश्किल से सोफिया ने नबीला को संभाला। इजाज और हंजला ने इन दोनों को घर छोड़ा और फिर हॉस्टल आ गए। असद मिनिस्टर के कहने पर एक मकान में मौजूद था। इसको जब दूसरी तरफ से हुक्म मिलना था तब वारदात के लिए निकलना था। अगली शाम मिनिस्टर दो लड़कों को अपनी गाड़ी में ले आया। उसने आकर असद का दूसरे लड़कों से तारुफ कराया। इनमें से एक अयूब था, जो कि पुलिस को कत्ल और डकैती की कई वारदातों में मतलूब था। दूसरा इलियास था, इसने भी कई वारदातें तो की थी, मगर इसका नाम किसी FIR में नहीं आया था। वो अभी तक साफ बचा हुआ था। मिनिस्टर ने असद को मजीद इंतजार का कहा, क्योंकि जिस बंदे को कत्ल करने का प्रोग्राम बनाया था वो अचानक किसी काम से शहर से बाहर चला गया था। तकरीबन एक घंटे तक वो बातें करते रहे, फिर वो लोग चले गए। एक मुलाजिम असद की खिदमत के लिए मौजूद था।